हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे Amazon प्राइम वीडियोस पर रिलीज हुई एक नई वेब सीरीज जिसका नाम है यूटोपिया। ये एक अमेरिकन वेब सीरीज है जो कि रीमेक है एक ब्रिटिश टीवी सीरीज का, जिसका भी नाम यूटोपिया ही था और उसमें दो सीजन्स आ चुके हैं। खैर, बात करेंगे यूटोपिया सीजन वन की, तो इसमें आपको टोटल 8 एपिसोड देखने मिलेंगे, जिसके हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 47 मिनट से लेके 55 मिनट के बीच में ही है और ये आपको सिर्फ इंग्लिश में देखने को मिल जाएगी। लेकिन सबसे अच्छी बात ये कि आपको विथ हिंदी सबटाइटल ही अवेलेबल है, अगर आप चाहो तो इसे देख सकते हो। खैर, बात करेंगे शो के प्लॉट की, तो यहाँ पर कहानी बेस्ड है एक कॉमिक बुक पे जिसका नाम है यूटोपिया, जो कि सीक्वल थी इससे पहले आई कॉमिक डिस्टोपिया की। अब डिस्टोपिया में कुछ ऐसे डेडली वायरसेस के बारे में प्रिडिक्ट किया गया था जो वर्ल्ड में हुए भी थे, जैसे कि इबोला और मार्स, और इस वजह से काफी लोगों की मौत हुई थी। हालांकि वर्ल्ड के लिए सिर्फ एक कॉमिक बुक है, लेकिन कुछ ऐसे भी फैंस है जिनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ हिडन मैसेजेस है आने वाले कुछ डेडली पैंडेमिक्स के, तो इसलिए जैसे ही उनको पता चलता है कि यूटोपिया नाम की कॉमिक सेल होने वाली है, तो लोग डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले वही लोग इस कॉमिक को खरीदेंगे ताकि आने वाले कुछ वायरसेस को वो लोग भी समझ पाए और इससे कई करोड़ों लोगों की जान बचा सकते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के दो लोग नहीं चाहते कि ये कॉमिक किसी के भी हाथ में लगे। अब उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये सीरीज। बात करेंगे शो के कॉन्सेप्ट की, तो आपने सिम्पसन कार्टून सीरीज बहुत बार देखा होगा या तो सुना होगा, और काफी यूट्यूब में क्रिएटर्स लोगों ने इस टॉपिक पर वीडियो बनाया जहां पर सिम्पसन कार्टून सीरीज में काफी सालों पहले वर्ल्ड में होने वाले कुछ बड़े इवेंट्स को प्रिडिक्ट किया गया था, जैसे कि अमेरिका में 9/11 का हमला, आने वाले कुछ डेडली वायरसेस को भी वहां पर प्रिडिक्ट किया गया था। उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप का जीतना, ये भी कोई जहर से कम नहीं था। उसके अलावा कुछ सेलिब्रिटीज इसकी एक्सीडेंट में मौत होना था, यानी कि ऐसी बहुत सारी चीजें वहां पर उस कार्टून सीरीज में ऑलरेडी कई साल पहले ही प्रिडिक्ट की गई थी, तो इस वजह से कहीं ना कहीं वो कार्टून सीरीज की आपको याद आती है। उसके अलावा करंट सिचुएशन है पूरे वर्ल्ड की, जहां पर हम लोग एक पैंडेमिक के दौर से गुजर रहे और कोरोना वायरस की वजह से तो आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में कितने लोगों की जान गई और हमारे इंडिया पे तो ये अब नेक्स्ट लेवल पे। तो जब हम लोग ये सीरीज को देखते तो हमारे माइंड में एक ही क्वेश्चन चलता है कि यार ये कोरोना वायरस वाकई में एनिमल की वजह से हुआ या इसके पीछे कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। बात करेंगे शो में कैरेक्टर्स की, तो यहाँ पर आपको मल्टीपल कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएगा जिनको बहुत ही अच्छी तरह से इस शो में लिखा गया है। हालांकि आप दूसरे शोज देखते तो वहां पर एक दो मेन कैरेक्टर होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर एक टीम वर्क है जो बहुत ही अच्छा लगता है आपको देखने के लिए, और जैसे तो वो चीजें रिवील करते हैं वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट इस शो में पूरी तरह से बन जाता है। इस शो की सिनेमेटोग्राफी और बीजीएम बहुत ही जबरदस्त लगे, लेकिन हाँ, शो में आपको काफी वॉयलेंस के सीन्स देखने को मिल जाएंगे जो कि अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन इस तरीके की सीरीज में अगर आपको ऐसे वॉयलेंस सीन्स देखने को मिल जाते, वो देखने का जो मजा है वो दुगना हो जाता है। लेकिन एक मोमेंट ऐसा भी आता है जहां पर वो सारी चीजें फिर आपको रियल महसूस होने नहीं लगती, तो वहां पर थोड़ा सा आपको अजीब सा फील होता है। लेकिन अगर आप लोग ये सारी चीजें गौर से नहीं देखते तो ये सीरीज आपको बहुत अच्छी लगेगी। बात करेंगे एक्टर्स के परफॉर्मेंस की, यहाँ पर सभी एक्टर्स ने अपने हिस्से काम को बहुत ही अच्छी तरह से निभाया, लेकिन दो बच्चे आपको इस पूरी सीरीज में नजर आएंगे जिनका काम मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा था। जिस तरह से वो लोग एक्ट कर रहे थे ना यार, वाकई में इतने छोटे बच्चे लोग इतने अच्छी तरह से ट्रेन होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर जॉन क्यूसेक का नाम लेना पड़ेगा जिनका यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट रोल है। मैंने उनको हॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज में देखा है, लेकिन अब पहली बार मैं उनको कोई वेब सीरीज में देख रहा हूँ, और यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने इस रोल को निभाया है आप पूरी तरह से शॉक्ड हो जाओगे। इस सीरीज में आपको टाइम टू टाइम ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिल जाएंगे, और जो जो चीजें आप यहाँ पर विटनेस करोगे ना वो तो माइंड ब्लोइंग है। हालांकि मैंने ब्रिटिश टीवी सीरीज यूटोपिया नहीं देखा, लेकिन फिर भी ये सीरीज देखकर मुझे इतना तो अंदाजा हो गया कि वो ओरिजिनल सीरीज किस लेवल की होगी। बात करेंगे शो के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की, तो यार मुझे इस शो की पेसिंग थोड़ी सी स्लो लगी, लेकिन इतनी भी ज्यादा स्लो नहीं। अगर आप लोग कुछ इस तरीके के कॉन्स्पिरेसी ट्रेलर वाले शोज देखना पसंद करते तो यार ये आप लोगों के लिए एक ट्रीट से कम है नहीं। पेरेंटल गाइडेंस की बात करो तो यार इसमें आपको दो तीन किसिंग सीन्स देखने को मिल जाएंगे, उसके अलावा काफी वॉयलेंस के सीन्स है, तो आप लोग खुद डिसाइड कर लो कि आप ये फैमिली के साथ देखना चाहते हो या नहीं। मैं शो को रेटिंग दूंगा 4/5। मेरे हिसाब से ये एक मस्ट वॉच टीवी सीरीज है। अगर आप लोग फ्री हो, Amazon प्राइम आपने सब्सक्राइब किया है तो यार जरूर देख लेना। ले तो बस यार इस वीडियो में इतना। अगर आप लोग ने यहाँ तक देखा तो एक फिल्मी दुनिया नाम का चैनल है जिसको आप लोग जरूर सब्सक्राइब करना, या फिर एटलीस्ट उसके चैनल को विजिट करना। अगर आपको वो चैनल अच्छा लगता है तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और ये कोई पेड प्रमोशन है नहीं। तो यार बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखना। बाय।